हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज प्रीशु और नानू नानी जा रहे हैं रानीखेत हमारे पहाड़। वहाँ प्रीशु की मासी का एंगेजमेंट है, इस वजह से प्रीशु और नानू नानी हम जाएंगे अब सीधे शादी में, क्योंकि शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। शादी की डेट 22 अप्रैल की है शायद, तो शादी में ही जाएंगे। अभी जाते तो छुट्टी नहीं मिल पाती, इस वजह से हम जा नहीं पाए इंगेजमेंट में। इंगेजमेंट तो आजकल कहते हैं, लेकिन वैसे पहाड़ों में इंगेजमेंट को साग रखना कहते हैं। जिस दिन पक्की हो जाती है, मतलब शादी पक्की करने के लिए जाते हैं। सुंदर सुंदर पहाड़ आप सभी देख ही सकते हैं, कितने हरियाली है हमारे पहाड़ों में। मेरा पहाड़ रानीखेत से आगे ताड़ीखेत, ताड़ीखेत से आगे द्योलीखेत, द्योलीखेत से भी आगे है एक पंधार गांव, वहां पर की हूँ मैं। ये मेरी बाखली है, जहाँ सब लोग तैयार हो रखे हैं, साग रखने वाले आने वाले हैं, उनका वेट कर रहे हैं सभी लोग। बच्चे दौड़ रहे हैं, इतना सुंदर घर है मेरा। लेकिन क्या करें, टाइम भी है, बस छुट्टी नहीं मिल पाती, जिस वजह से हम अपने घर नहीं जा पाते। अब अप्रैल में ही जाना होगा हम लोगों को। यहाँ पर सब लोग खाना बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। कर रही है अपने ननिहाल जाके। यहाँ पर मेरे सिस्टर के बच्चे भी आए हैं, मेरी सिस्टर है पूजा, उसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, जिनके साथ प्रीशु इतना खुश है कि मतलब उसे ये भी याद है कि मेरी मामा यहाँ हैं और मैं अपने नानी नानू के साथ पहाड़ गया हूँ। मेरे घर में मेहमान आ चुके हैं, मेरी बहन के ससुराल वाले आ चुके हैं, ये तो मेरे मायके वाले हैं। कितों को कुछ कुछ पहचान रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ नहीं पहचान रही हूँ। ये मेरी बहन है दुल्हन, जो अपने ससुराल वालों को मिलने जा रही है। वो पीछे मेरी दूसरी बहन है, ये इसके ससुराल वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहचानती नहीं कौन होगी, ऐसा सोची वगैरह लोग की होंगी। यहाँ पर सारी बात फिक्स हो चुकी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। शादी के दिन बहुत मजे आने वाले हैं बहन की शादी में। यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। ये मेरी ताई जी है, जिनकी बेटी की शादी हुई थी अब अप्रैल में। सभी बिजी हैं। ये प्रीशु है मेरी बेटी, ये मेरी बेटी बहन की बेटी है। प्रीशु बहुत इंजॉय कर रही है अपने ननिहाल में, क्योंकि प्रीशु आज तक अपने ननिहाल पहाड़ वाले ननिहाल नहीं गई, क्योंकि हम मम्मी लोग तो हल्द्वानी रहते, तो हल्द्वानी तो हम जाते रहते हैं, पहाड़ नहीं लगे थे प्रीशु को। फर्स्ट टाइम प्रीशु पहाड़ गई है, अपनी दीदी के साथ बहुत खुश है। अब सारी बातचीत हो के अब ससुराल वाले जाने लग गए हैं ससुराल को। साग रख दिया उन्होंने, अब उन्होंने फिक्स हो चुकी है हमारी शादी।
अब सीधे अप्रैल में शादी होगी। दुल्हन अपने सर में परात रख के जाती है, हमारे वहाँ पर ये रीति रिवाज है। तो ससुराल वालों को छोड़ने जाएगी तो सर में परात रख के जाएगी। अब जरा फोटो शूट कर रही है दुल्हन, क्योंकि आज के दिन दुल्हन बहुत खास होती है। अब ससुराल वाले तो चले गए, अब दुल्हन करेगी बर्तन की सफाई। ये बच्चे बैठ के मज़े ले रहे हैं, इन खूब मज़े ले रहे हैं। ऐसे ही अपनी मौसी की शादी में, अपनी बुआ की शादी में एंजॉय करेंगे। प्रीशु काफ़ी खुश है। प्रीशु को वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखे जिनके साथ प्रीशु बहुत खुश थी। अब सराज वाले ने कि तो अब प्योर धुल बैठ भानकुन सब भानकुन मालूमी। उस टाइम तक तो ये हमारी ताई जी हैं, बड़ी ताई जी, वो अम्मा हैं जिन्होंने स्कार्फ पहना। ये ब्लू वाले मेरे पापा हैं। और तो कुछ नहीं, मौसी बुआ की शादी में एंगेजमेंट में बच्चों ने लिया भरपूर मजे। काम उनके घर से काम हो चाहे उनको कोई मतलब नहीं, खेलने से मतलब होता है। झलक एंगेजमेंट की फ़ोटो में पहचानती तो मैं किसी को हूँ नहीं, लेकिन अपनी बहन के अलावा और अपनी बेटी के अलावा किसी को नहीं पहचानती। अब शादी के दिन ही होगी, ये मेरी मातृश्री है। ये मेरी बड़ी ताई है। आप सभी को मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं जल्दी न्यू मिनी ब्लॉग के साथ में।